दोस्तों, पीएम किसान का पैसा जो आप पहले खाता में आपके जो आ रहा था, अब पेमेंट मोड इसका दोस्तों बदल दिया गया है। आपका पहले वाला खाता में दोस्तों पीएम किसान का पैसा अब नहीं आने वाला है। जो 11th किस्त आएगा दोस्तों, अब दूसरे खाता में आपके आएगा। तो आपके किस खाते में आएगा, आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप आ जाएंगे फार्मर कॉर्नर में। यहाँ आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का एक लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको ओके कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आधार नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ अकाउंट नंबर से भी दिया गया है, तो हम आधार से ही चेक करके आपको बताते हैं। यहाँ आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट मोड इसका बदल दिया गया है। दोस्तों यहाँ हमारा अकाउंट नंबर पहले दिखा था जो कि अब यहाँ आधार शो कर रहा है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ है कि अब डीबीटी के माध्यम से जो भी पीएम किसान का पैसा आएगा, आपके जो भी एनपीसीआई से लिंक होगा खाता, उसी में आपका पीएम किसान का पैसा आने वाला है। दोस्तों जो भी पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं, उनके सभी का अकाउंट चेंज कर दिया गया है। यहाँ पेमेंट मोड दोस्तों आधार कर दिया गया है। अब दोस्तों जो भी जिनका भी एनपीसीआई से खाता लिंक होगा, उन्हीं का पैसा आएगा, अन्यथा उनका पेमेंट रुक जाएगा। जो भी एनपीसीआई नहीं कराए हैं, एनपीसीआई खाता बैंक से लिंक नहीं कराए हैं, वो अपना जल्दी करा लें, तभी उनका पीएम किसान का लाभ मिल पाएगा। 2,000 रुपया जो साल में 3 बार करके मिलता है, 6,000। दोस्तों एनपीसीआई स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका एनपीसीआई से खाता लिंक है कि नहीं, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट अपना चेक कर सकते हैं कि आपका खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।